हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनफल देखिए, एक प्रश्न लिखा है कि 3xy -7xz और 2xyz का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। इसके लिए हम क्या करें, हम लिखेंगे कि 3xy गुणे -7xz गुणे 2xyz। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको लिख देंगे कि 3xy इसको लिख सकते हैं -7xz -2xy-z। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद अंक को हम जितने अंक हैं माने जो अचर राशियां हैं, अचर राशियों को एक साथ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3 इसमें अचर है, 7 भी अचर है, तो हम लिख देंगे -7। इसके बाद लिख देंगे 2 गुणे। अब देखिए यक्स लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, यक्स जितने भी एक साथ लिख लेंगे। देखिए एक यक्स यहाँ पर है, एक यक्स यहाँ पर है और एक यक्स यहाँ है, तो तीनों यक्स को हम एक साथ लिख दें, ये हो जाएगा यक्स गुणे यक्स। इसके बाद देखिए वाई देख रहे हैं, एक वाई यहाँ पर है और एक वाई यहाँ पर है, तो लिखेंगे y गुणे y। इसके बाद देखिए जेड, एक जेड यहाँ पर है और एक जेड लास्ट में है, तो हम इसको लिख देंगे z गुणे z। अब क्या करेंगे, अब आपको इन संख्याओं का गुणा कर लेना है। देखिए 3 में -7 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42। अब इसको आप लिख देंगे 42 गुणे, देखिए लिखा गया है x गुणे x गुणे x। यक्स 3 बार लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं x घाते 3, माने ये हो गया x पावर 3। इसके बाद देखिए लिखा गया है y घात 1 है, यहाँ पर y घात 1 है, जहाँ पर कोई घात नहीं लगी है तो वहाँ पर 1 घात होती है, तो y 2 बार लिखा गया है, ये हो जाएगा y घात 2 गुणे z घात 1, इसी तरह से z घात 2 हो जाएगा। अब हम लिख देंगे, इसमें देख रहे हैं माइनस लगा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी है। अब हो गया कितना, -42 x घाते 3 y घाते 2 z घाते 2, यही आपका आंसर हो गया। और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद आपका।